फराली कीनवा सलाद बनाने जा रहे हैं। क्या कीनवा फराली हो सकता है? जी हाँ, ये सुपर फूड है, ये सीड्स है। जिस तरह से हम सामो खाते हैं, है ना, तो इसी प्रकार का है। लेकिन ज़्यादातर सामो जो है एकादशी में नहीं खाया जाता है, लेकिन अगर कीनवा है वो एकादशी में खाया जाता है। और कोई भी फास्टिंग में आप खाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन आपको इसका रिजल्ट मिलता है हेल्थ के हिसाब से। कीनवा को हमें पहले भिगो देना है और हल्का सा इस तरह से हमें कुक कर लेना है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालें, थोड़े से पानी में ये हो जाता है तो। और इसमें हमें सेंधा नमक डालना है क्योंकि हम फराली कीनवा सलाद बनाने जा रहे हैं। जी, कीनवा जो है फाइबर से भरपूर है, ग्लूटेन फ्री है, और अगर आप खाएंगे तो ऐसे लगेगा। फाइबर से भरपूर का मतलब है कि आपको पेट भर जाएगा और हेल्दी है। हमेशा मैं ये कोशिश करती हूँ कि आपको हेल्दी बना के खिलाऊं, और वो भी फास्टिंग में। तो जो भी फास्टिंग में चीज़ हैं आप ये सलाद में डाल सकते हैं, जैसे कि कुकम्बर है, हरी मिर्ची है, थोड़े से गाजर हैं। इसे थोड़ा सा हल्का सा बॉईल करके डालिए तो पचने में अच्छा रहेगा। आप इसमें पीनट डाल सकते हैं, आप सारे बहुत सारे फ्रूट्स डाल सकते हैं, जिस जो भी फ्रूट्स आपके पास में अवेलेबल हैं वो आप डाल सकते हैं। और ये प्रोटीन बहुत ही अच्छी मात्रा में देता है। अगर आप अपने रोज़ाने खाने में भी आप ये खाते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आप डाइट प्लान कर रहे हैं तो भी आप ये सलाद खा सकते हैं, तो कितना बढ़िया है, है ना। और एकादशी में अगर कीनोवा का कोई भी चीज़ आपने खा लिया तो आपको जो गिल्ट फील होती है कि ओ सामो तो राइस है, तो ये नहीं होगा। चलिए, इसमें हमें जो भी चीज़ें डालनी हैं वो सभी चीज़ें हमने डाल दी हैं। और हल्का सा आप ब्लैक पेपर भी डालिए और सेंधा नमक भी डालिए, चाट मसाला है तो वो भी डालिए। और फिर जो हमने बॉईल किया हुआ है किनो उसे भी डाल दीजिए। और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट के साथ में ये मैंने कोशिश की है सलाद बनाना। और आपका फास्टिंग जो है वो हमेशा ही हेल्दी रहे। मेक इट फ्रेश, मेक इट अ मिशन, मेरा जो मिशन है। ऐसे ही मैं हमेशा घर पे ही बना के खाती हूँ। आप भी खाइए, लोगों को भी बताइए और उनको भी शेयर कीजिए मेरा, इससे इनकी भी हेल्थ में बेनिफिट्स हो। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आता हो तो आप हमें लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। अगर आपको किनवा की और कोई चीज़ें पसंद है खाना, मैं ज़रूर कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए बनाने के लिए, और ज़रूर रखूंगी आपका फास्टिंग जो है हैप्पी फास्टिंग। और श्रावण का और एकादशी करते हैं तो आपको हमेशा ही एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।